हेलो वेलकम श्री माई प्रियर माई डियर श्री मैं शिंदे कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने जो अंकित प्रश्न का जो कैलकुलेशन होता है ना उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने चल रहा हूँ। छोटा क्या एक फिर भी 5-6 मिनट जो भी होगा उसको पूरा देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या समझाने वाले घात और बूढ़ा भाग। घात जो होता है आपका न्यूमेरिकल में ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि मान लीजिए आपका 10 की पावर आपका 12 आ गया ठीक। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको यही पता चलना चाहिए कि ये 10 जो है ना 12 बार है, मतलब 12 बार आपका 10 है, 10 आपका 12 बार लिखा जाएगा। बात को समझिए, जैसे आपका 10 की पावर 2 लगा है तो इसका मतलब 10 और 10 2 बार ठीक है, और 10 10 2 बार का मतलब 100। इसका मतलब सीधी बात यही हुई कि 10 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब 10 मतलब 1 में 2 जीरो लगा हुआ है, और 10 की घात 3 है इसका मतलब 10 में 3 जीरो मतलब 1 में 3 जीरो लगा है। इसका मतलब अगर 10 घात 4 है तो 1 में आपका 4 जीरो है। इसका मतलब अगर 5 है तो 1 में आपका 5 जीरो है। तो इसी प्रकार से आगे आपका जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप लिख सकते हैं। तो यह हुआ 10 की पावर। अब ये बात आती है कि ये सर पॉजिटिव में है, निगेटिव में हो तो क्या करना चाहिए। निगेटिव में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव में आपको क्या करना है बस यही जो आपका ये सीधा सीधा लिखा गया है ये आपका नीचे हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक संख्या अंश में होती है। जैसे आपका 5 लिखा गया है तो ये कहाँ पर है, अंश में कि हर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ये ध्यान देना है। तो ये आपका हर में होता है ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 5 आपका ऊपर है, जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका बटा 1 होता है, मतलब कोई एक संख्या अगर हो तो उसका बटा में 1 होता है, उसके अपान के नीचे बाई के नीचे क्या होता है 1 होता है। तो एक संख्या एक अगर डिजिट लिखा हो तो उसके नीचे आपका 1 माना जाता है। उसी प्रकार आपका ये अगर 1000 है 1000 है इसका मतलब इसके बाई 1 होगा, इसके भी बाई 1, इसके भी बाई 1। तो जब हम ये निगेटिव में हो तो ये 1 ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पर है 10 की घात 2 है, यही माइनस में होता मतलब ये 10 की घात -2 होता तो कुछ नहीं, 100 तो होता ही लेकिन ये बटा में होता ऊपर 1 होता, ये बात हुई, इसका मतलब ये हुआ। और ये बात का एक कारण और होता है, 10 की -2 का मतलब ये हुआ ठीक। तो ये 2 जीरो का मतलब होता है, 2 जीरो का मतलब होता है कि दशमलव ही 2 अंक इधर आ जाए। अब आप सोचेंगे इसमें दशमलव तो लगा नहीं है, दशमलव भी आपकी संख्या के बाहर होता है, जैसे 8 है तो दशमलव इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके बाद 0 आप दे सकते हैं, 1 जीरो 2 जीरो जितनी ज़रूरत हो, 1 जीरो हमेशा लगा रहे। जैसे 4 है तो दशमलव लगाकर आप 0 लगा सकते हैं। ये आपका विज्ञान में लिखा रहता है, ये आपको पता भी होना चाहिए, लिखा भी रहता है ठीक है। उसके बाद आपका 5 है तो यहाँ दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, मतलब दशमलव कहाँ रहता है बाहर। आप इस तरीके से भी 5 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, दोनों 5 है लेकिन विज्ञान में आपका ये चलता है। तो इसी तरीके से देखिए ये आपका 1 है तो इसका दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है 0। अब ये 2 जीरो का नीचे दोनों का भाग करेंगे, मतलब भाग करेंगे तो 1 2 जीरो है तो 2 अंक इधर चलाएगा, मतलब 1 ये है एक संख्या होगी, एक 0 के लिए एक संख्या और इस 0 के लिए एक संख्या नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए। अब दशमलव को 2 अंक पार कर दिए, 1 अंक 0 लगा के, तो यहाँ पर दशमलव चला और ये आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर ये होगा। मतलब हमसे ये ज्ञात होता है कि माइनस में घात होने का कारण ये होता है कि वो अपने से विपरीत में, अपने से विपरीत में, मतलब अगर कोई संख्या नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। और उसका मतलब ये होता है कि ये 10 की पावर जितनी निगेटिव में रहेगी उतना अंक दशमलव इधर जाएगा, उतना अंक दशमलव इधर जाएगा, ये दशमलव और इधर जाएगा, तो आपका ये गुणा होगा और ये भाग होगा, तब आप समझ लीजिए दशमलव का इस तरीके से नियम होगा ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं 10 की पावर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए 10 की पावर 10 है, मतलब 10 पावर का आपका 10 है, और उसके बाद आपका गुणा में, फिर यहाँ फिर 10 पावर -5 है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इसे आपका गुणा में होता है, मान लीजिए कोई गुणा में है, ये गुणा में पावर है, गुणा में पावर है तो आप क्या करिए, उसको आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, पावर गुणा में हो जोड़ दीजिए, और आपका पावर आपका भाग में हो तो आप घटाना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, घटाना कर दीजिए। ये आपका पावर का काम है, पावर जब इस तरीके से। तो इसमें देखिए आपका क्या है, ये गुणा में है, ये पावर भी गुणा में है, ये पावर कहीं कहीं बीच में गुणा लगा, तो 10 की पावर आपका ये हो गया। तो ये आपको 10 और ये प्लस करिए, -5 करिए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। देखिए 10 इधर का लिखे, -5 इधर लिखिए। अब ये संयोग से प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो क्या दिक्कत है, ये मैं पहले से ही घटा सकता था लेकिन अभी इसको सामने में घटा रहा हूँ। तो इसको 10 में से 5 गया तो आपका 5 आ गया, इसमें 5,
और घटाने पर जिसमें बचे उसी का चिन्ह लगाइएगा। ये बात ध्यान दीजिए कि घटाने पर जिसमें बचे उसी का चिन्ह लगाइए। अगर प्लस में बच रहा है तो प्लस लिखिए, और माइनस बच रहा है तो माइनस में लिखिए। जोड़ने पर जिसको जोड़िए वो लिखिए। जैसे आप इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2। अब दोनों पॉजिटिव में हैं तो ये आपका यही होता कि 10 की घात 3 प्लस 2। तो अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा, तो यह हो जाता 10 की घात 5। ये हो जाता 10 की घात 5। लेकिन अगर आपका इस तरीके से होता, जैसे देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब इसमें कुछ भी नहीं, 10 की पावर आपका -3 फिर प्लस -2, ठीक है, ये बराबर कट। और ये -3 और -2 दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि गुणा में है, दोनों को जोड़ेंगे। अब ये प्लस माइनस दो सिंबल तो रहेगा ना, दोनों प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो सीधी बात इस तरीके से हो जाएगी, -3 -2 ये हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों अगर सेम चिन्ह हो तो जुड़ जाएगा, और उल्टा चिन्ह हो मतलब विपरीत चिन्ह हो तो घट जाएगा। तो 10 की पावर ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो भी चिन्ह जोड़े, ये हमने प्लस प्लस जोड़ा था तो प्लस में ही लिखा, देखिए 5 प्लस में लिखा, ये माइनस माइनस जोड़ा तो ये भी 5, ये भी 5 आया, ये भी 5 है, दोनों में देखिए अंतर क्या है, बस इसमें माइनस माइनस था, इसमें प्लस प्लस था, यही डिफरेंस होता है। अब अगर ये आ जाता 10 की पावर 7 गुणा 10 की पावर -2, तो अभी ये दूसरा दूसरा चिन्ह है, इसका होता 10 की पावर 7 फिर बीच में प्लस होता हमें पता है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 10 की पावर अब आ जाता 5 क्योंकि इसी में बचेगा। या फिर आपको इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि 10 की पावर आपका 14 है माइनस में, और तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, ठीक, मतलब कि ये आपका 14 है और ये 2 है। अब 10 में 14 जो पावर है ये निगेटिव में है, और ये 10 की पावर जो 2 है ये पॉजिटिव में है, मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में। अब दोनों तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यार एक बार आप दिमाग में बैठा दीजिए, क्या दिमाग में बैठाना है, वही चीज़ हो, कहने का मतलब अगर आप कॉपी कॉपी में ही रखेंगे ना कि वो किताब में रख मैच करेंगे, जैसे बोला जाए कॉपी कॉपी को जोड़ लो, किताब किताब को जोड़ लो, पेन पेन को जोड़ लो, तो पेन पेन में ही जोड़ोगे, ठीक, उसको कॉपी में तो जोड़ोगे नहीं क्योंकि वो अलग वस्तु है। उसी तरीके से ये माइनस माइनस में ही जुड़ेगा, ना कि हम प्लस में जोड़ दें, प्लस में जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही दिमाग बैठेगा कि वही वही चीज़ सेम जुड़ेगी और वही चीज़ लिखा जाएगा, दूसरी चीज़ हमेशा आपस में घटेंगी और जिसमें बचेगी वही लिखा। जैसे कहने मतलब दोनों अलग अलग जाति के हैं, दोनों अगर लड़ाई करेंगे, दोनों अगर ये लड़ाई करते हैं, ये अलग जात हो गया, ये अलग जात हो गया, इन दोनों लड़ाई करेंगे तो जो ज़्यादा रहेगा वही, ये निगेटिव वाला ज़्यादा है तो यही बचेगा, तो इसका मतलब ये घट रहा है, 14 10 मतलब 2 घटेगा। जैसे देखिए 10 की पावर में आपका -14 और ये प्लस में है, आप इसको 2 लिख सकते हैं ऐसे ही। अब 10 की पावर में ये 14 में 2 गया, इसमें बचा 12, ये 12 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इस तरीके से हम 10 की पावर को कंट्रोल करेंगे। देखिए हम बड़ा सा लेते हैं, 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर 4 और गुणे 10 की पावर -6, ठीक। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 10 माइनस गुणा 10 की पावर 5, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये हम इसको ले लेते हैं 12, बस काम ख़त्म, जिसे बड़ा बड़ा समझिए। अब इसमें देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम इन सब को बराबर पहले देखेंगे कि किस में है, गुणा में है कि भाग में है। तो देखते हैं ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर, तीनों आपस में गुणा में है, और ये 10 की पावर, ये तीनों आपस में गुणा में है, लेकिन इसके विपरीत ये वाला तो भाग में है, मतलब इस तीनों के विपरीत ये वाला भाग में है, न कि गुणा में है, क्योंकि बटा को हम भाग बोलते हैं, तो यही होता है भाग में। अब अभी तक सोचेंगे भाग कहाँ पर हो रहा है, तो भाग यही है। ये इसको देखिए, यहाँ पर 10 लिखेंगे क्योंकि 10 की घात सभी है, 12 है। अब ये जो हम ये लिख रहे हैं ना, इसको आप मन में करिएगा या कहीं पर भी करिएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे -12 लिख रहे हैं, +4 लिख रहे हैं, -6 लिख रहे हैं, इसको आपको अपने मन में करना है, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। फिर नीचे वाले को देखिए, 2 हो गया, -10 हो गया, +5 हो गया, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर, 10 की पावर आपका 12 4, ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटने के बाद इसमें बचेगा 8, ठीक है, तो 8 हो गया। अब 8 माइनस में बचेगा, यहाँ पर दिमाग बदल ली,
तो 8 माइनस में 6 माइनस में 8 6 14 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। माइनस दूसरा तरीका देखिए, आप प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए और हमेशा घटा दीजिए। प्लस में यही 4 है, इसको मैंने लिख दिया ऐसे ही 4 लिख दिया। ये देखते हैं माइनस में ये 12 है और ये 16 है, तो 12 और 16 जो वो सॉरी 12 और 6 है, तो 12 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं 12 एंड 6 यानी 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब देखिए 4 और 18 जो है इसको अगर हम घटाएंगे तो ये घटेगा, क्यों घटेगा, ये प्लस में है माइनस में है, तो 18 और 4 घटेगा तो हमारा आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा माइनस में, ये 14 आ गया निगेटिव में, माइनस में आ गया। अब माइनस 14 आ गया ऊपर, तो ये हम लिख लिए। अब यहाँ पर नीचे देखिए इसी तरीके से करते हैं, तो 10 की पावर ये क्या है, ये 2 प्लस में है, ये भी प्लस में है, 5 2 7 हो गया प्लस में और 10 हो गया माइनस में, तो 10 और 7 को आपस में घटाएं क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटेगा, प्लस प्लस जोड़िए माइनस माइनस जोड़िए दोनों को घटाइए, तो 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3 माइनस में, 3 माइनस में बचेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 में से 2 गया बचा 8 माइनस, 8 माइनस में से आप 5 घटाएंगे तो बचेगा इसमें 3 माइनस, तो ये हो गया आपका। अब बची बात ये हल करना है, तो ये हल करना, ये 10 की पावर माइनस में 14 है, ठीक है, और ये आपका माइनस 3 क्या है, इसके विपरीत ये भाग में है क्योंकि ये भाग है, और जब भाग होगा तो घटाना भी लिखेंगे, तो ये घटाना में लिख दिए, ये देखिए ये घटाना में लिख दिए, ये घटाना लगाया और ये इसको मैंने लिखा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो 10 की पावर माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सीधा शब्दों में भी बताते हैं, सीधा शब्दों में भी बताते हैं, देखिए सीधे शब्दों में हुआ ये आपका, अगर नीचे से ऊपर कोई भी घात जाएंगी तो प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएंगी, ये ध्यान दीजिए। तो ये आपका माइनस में था, ये ऊपर गया तो प्लस में हो गया, सीधी बात, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। तो आपका घटने के बाद 10 14 में से 3 गया मतलब 12, और 14 में से आपका 3 जाएगा तो 11 आ जाएगा निगेटिव में, तो ठीक है ये आ गया। अब सीधा सीधा तरीका भी बताते हैं, ये तो हो गया बेसिक तरीका, बेसिक रूल, कॉन्सेप्चुअल रूल, उसके बाद देखते हैं ये देखिए। अब हम ऊपर नीचे जो वो सेम पावर में हो उसको घटा सकते हैं मतलब काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्लस में 5 घात हो गई और 7 घात हो गई, 5 और 2 कितना हो गई 7 घात हो गई, 7 घात यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको 2 घात इसमें से काट सकते हैं, और तो बचा इसमें 2 घात, इसमें 5 घात, 2 घात इसमें का काट सकते हैं, वैसे भी 5 2 7 4 घात कट गया, इसमें बच रहा है 3 घात, नीचे 3 घात बच रहा है, माइनस वाली घात काटिए 10 घात इसमें से कट गया, 10 घात इसमें कट बचा इसमें माइनस 2 घात, सब नीचे खत्म, यही 3 घात बच रहा है, ऊपर बच रहा माइनस 2 और 6, तो 10 की घात माइनस 2 6 8 हो गया, और उसके बाद ये 10 की घात 3 बच रहा है प्लस में, ये हो गया, ठीक है। ये भी प्लस में, ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस 8 और -3 टोटल हो जाएगा 10 की घात माइनस 11, तो वही वही आएगा, सेम वही चीज़ें आएंगी, दूसरा आने वाला नहीं है। तो होता है आपका 10 का गुणा घात का गुणा और भाग। तो आपको शायद समझ में आ गई होगी बात हमारी, क्या हम कहने वाले थे, क्या बताने वाले थे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये घातों कन्वर्ट करने के लिए ये भी एक रूल है जो संख्याओं में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2000 है, ठीक है, ये आपका 20000 है, 20000 है, इसको हम 10 की पावर में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 लिखिए, केवल संख्या को निकालिए, डिजिट को और जीरो को देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 0 है, ठीक है, तो आप दशमलव लगा के 0 ऐसे लिख दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है, वैसे लिखा जा रहा है 1 2 3 4 0 का मतलब 10 की घात आप 4 लिख सकते हैं, ये इसका कन्वर्जन रूप है, इसको हम कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, और 10 की पावर भी बन गई हमारी, ठीक है, ये आप समझ गए, ठीक है समझ गए। अब ये भी आपको इस तरीके से भी हो सकता था, जैसे 0.002 इस तरीके से था, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, कैसे, इसको हम 2 लिखेंगे और 2 लगा के 0 से लिख देंगे, अब गुणा लगाएंगे 10 की पावर लगाएंगे कितना 1 2 3 4 0, माइनस में 4 0 लिखेंगे, जब दशमलव इस तरीके से लगा रहे ज़्यादा संख्या हो दशमलव को यहाँ बाहर ले जाना है तो हम माइनस में लिखेंगे, इसमें दशमलव हमें बाहर है और इसको 0 लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखे कि 2 गुणा हम 1000 लिख सकते थे मतलब 10000 लिख सकते थे, तो 10 दूना 20000 इस तरीके से, तो ये भी आप समझ सकते हैं माइनस और प्लस का, इसको आप 10 की घातों में चेंज कैसे करना होता है, ठीक है, तो शायद आप चेंज भी कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो हमने लेकर आया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ती रहेगी, आप जल्दी जल्दी वीडियो हम डालेंगे, थोड़ा सा भी वेट करिए, इसके बाद हम वीडियो बहुत सारी वीडियो ले जाएंगे, लाइट हमारे यहाँ नहीं आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए इसको हमने थोड़ा शोरगुल जिसे बोलते हैं बहुत शोर है इसमें बना दिए वीडियो को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो वॉइस को चेंज कर लीजिए, क्वालिटी को यहाँ पर इस यहाँ पर देखें 3 डॉट लगा होगा, इधर आपको
थ्री डॉट पर क्लिक करके आप वो वॉइस को थोड़ा क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा और अच्छी तरीके देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इस प्रकार कैलकुलेशन की वीडियो बहुत डाले हुए हैं, बहुत वीडियो पड़ी हुई है और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास पड़ी हुई है। इस इंग्लिश की पूरा बेसिस लेकर लास्ट तक आपको मिलेगी वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, सी यू। Thank you.